दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और आज की वीडियो में हम बात करते हैं हाउ टू रिमूव हार्ड डिस्क फ्रॉम CPU, यानी कि CPU में से हार्ड डिस्क को कैसे रिमूव करना है या निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों कि CPU के पीछे जो हमारे कनेक्शन हैं, जैसे कि VGA केबल है, पावर केबल है, कीबोर्ड माउस है या LAN केबल है, इन सबको हटा देना है और ये सेट का कवर खोल लेना है। इस कवर को खोलने के लिए हम ये जो दो स्क्रू लगे हैं इनको खोल लेंगे। और इस कवर को ऐसे हल्का सा पीछे और खींचेंगे और ये खुल जाएगा। तो दोस्तों, कवर खोलने के बाद आपको कुछ इस तरीके से CPU नजर आएगी। और दोस्तों, इसमें यहाँ पे ये हार्ड डिस्क लगी हुई है, जिस CPU में ये ऊपर भी हो सकती है या साइड में भी माउंट करते हैं। तो चलिए इसको मैं खोल के दिखाता हूँ आपको इसको कैसे खोलना है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे कि हार्ड डिस्क की जो साटा केबल लगी हुई है इसको हटा देंगे, उसके बाद पावर केबल को भी हटा देंगे। ये वाली बस, ये दो ही केबल हटानी है आपने और कोई केबल को डिस्टर्ब नहीं करना, यानी कि खोलना नहीं है। और आप देख रहे हैं कि हार्ड डिस्क के ये दो स्क्रू लगे हैं, इनको खोल लेंगे। और इसको इसके बाद से बाहर खींच लेंगे। ये दोस्तों हमारे हार्ड डिस्क बाहर आ गई, बहुत ही सिंपल है, आप खुद भी कर सकते हैं। आपने कोई हार्ड डिस्क चेंज वगैरह करनी है तो इसकी जगह दूसरी हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं। दोस्तों, कई हार्ड डिस्क में CPU में ये जो स्क्रू हैं दोनों साइड लगे होते हैं, और दूसरी साइड के पेज खोलने के लिए आपको इसका जो पीछे का ढक्कन है वो भी खोलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम हार्ड डिस्क को आराम से बाहर निकाल सकते हैं। और अगर इसको दोबारा लगाना है या इसको चेंज करके कोई और लगानी है तो सिंपल तरीका है, इसको यहाँ पे ऐसे ही हम माउंट कर देंगे ये कट देख के। और ये जो दो स्क्रू हैं इन दोनों को दोबारा लगा देंगे। इन स्क्रू को ज़्यादा टाइट नहीं करना, हल्का सा टाइट करना है, क्योंकि उससे हार्ड डिस्क में कुछ दिक्कत आ सकती है। ये हार्ड डिस्क हमारे दोबारा लग गई और स्क्रू भी लग गए। अब हम इसको दोबारा से कनेक्ट कर देंगे। पहले इसको हम पावर देंगे साटा केबल से। इसमें ये जो कट बना है इसको मैच करके लगाना है। इस तरीके से साटा केबल में भी जो कट बना हुआ है इसको इससे मैच करके ही लगाना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।